सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग LPP के अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कैसे अनबाउंडेड सॉल्यूशन का ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। LPP का कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन प्रेस करके भी उस वीडियो पर जा सकते हैं। उस वीडियो में मैं बताया हूं कि LPP क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन और ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से अनबाउंडेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप पे एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज करना है z=3x+2y को और ये कंस्टेंट है सबजेक्ट टू x-y <= 1 और x+y > 3। ये दो कंस्टेंट है और ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो LPP में तीन पार्ट होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दिस टू इन इक्वेशंस इज कॉल्ड कंस्टेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये तीन पार्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्टेंट और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। अगर इसको कोई भी xy सॉल्व सेटिस्फाई करे, xy का वैसा वैल्यू जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, तो वैसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ LPP। और वैसा वैल्यू जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे ही और साथ में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसा फिजिबल सॉल्यूशन जो इसको मैक्सिमाइज कर दे, तो उसको ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ये सब के बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कंस्टेंट को जो है वो इन इक्वेशन से इन इक्वेशन में बदल देते हैं। फर्स्टली वी कन्वर्ट गिवन इन इक्वेशन इनटू इक्वेशंस, वी गेट ये जो इन इक्वेशन है उसको इक्वेशन में बदलते हैं। तो x-y = 1 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और सेकेंड को x+y = 3 दिस इज नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि ये दो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से ये पास कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले x के जगह 0 पुट कर देते हैं। अगर x के जगह 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -1 आ रहा है, और अगर y के जगह 0 पुट करते हैं, y के जगह 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा दो पॉइंट, 0-1 और 1-0 से। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 पासेज थ्रू पॉइंट्स 0-1, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -1 से पास कर रहा है, और दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट 0-1 से पास कर रहा है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन कहाँ से पास कर रहा है। सिमिलरली इक्वेशन 2 पासेज थ्रू, ये देखिए कहाँ से पास करता है। अगर x के जगह 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू, अगर x 0 पुट किए तो ये गायब हो जाएगा, y का वैल्यू 3 हो जाएगा, 0-3। एंड दूसरा अगर हम लोग y के जगह 0 पुट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो x 3 और y 0। ये दो पॉइंट से पास कर रहा है सेकेंड लाइन। तो ये दोनों लाइन को अब हम लोग प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पेपर आप लीजिएगा और ग्राफ पेपर में ये दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग ग्राफ कॉपी पर ड्रॉ कीजिएगा। देखिए ये पॉइंट जो है वो 0-1 है, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -1 है। आप सपोज कीजिए ये पॉइंट है 0-1, तो एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा 1-0, x कोऑर्डिनेट 1 है। आप सपोज कीजिए यहाँ पर ये -1 मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1 हो गया ये पॉइंट, और दूसरा 1-0 ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते, मिला देते हैं दोनों पॉइंट को। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लाइन को ड्रॉ करते हैं। x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x 0 और y कोऑर्डिनेट 3 ये पॉइंट हो जाएगा, और फिर दूसरा पॉइंट है 3-0,
x 3 है और y 0 है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन आ रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इस लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब किधर शेडेड करना है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा पार्ट, तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0 बैठाइए, तो x की जगह 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, y की जगह 0 बैठाएंगे ये भी 0, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये इधर आ रहा है 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये ट्रू है। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के जिस साइड ओरिजिन है उधर ये सॉल्यूशन होगा, यानी इस लाइन के इस साइड में सॉल्यूशन होगा, तो ये इधर सॉल्यूशन होगा। और दूसरा लाइन को देखिए, दूसरे इन इक्वेशन को, दूसरे इन इक्वेशन को ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, x के जगह 0 और y के जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 जो है वो 3 से बड़ा हो ये पॉसिबल नहीं है, ना तो 0 इक्वल टू 3 है, ना 0 बड़ा है 3 से, तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के साइड में इसका ग्राफ नहीं होगा, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ओरिजिन इधर है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया मतलब इधर नहीं होगा सॉल्यूशन, इसके अपोजिट साइड इधर सॉल्यूशन होगा, तो इधर सॉल्यूशन होगा, तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, इस लाइन के इधर भी होना चाहिए और इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए, तो ये जो कॉमन पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आ रहा है, यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही फिजिबल रीजन होगा। तो ये इसका फिजिबल रीजन हो गया। अब देखिए, फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट होता है वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर एक आ रहा है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, अब ये देखेंगे कि ये या ये दोनों में से कौन सा इसको ऑप्टिमाइज करता है, या फिर कोई और भी पॉइंट इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है क्या। तो जैसे ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो ये दो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 2 आ रहा है, और x की जगह अगर हम लोग 2 बैठा देते हैं तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट 2 निकला है और y कोऑर्डिनेट 1 निकला है, फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये दो कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है z इक्वल टू, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x प्लस 2y है, तो z इक्वल टू 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर 2-1 पॉइंट पर आप निकालिएगा z का वैल्यू, तो z का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 3 टू जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और अगर 0-3 पर निकालेंगे तो 0-3 पर z का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह 0 और y के जगह 3 बैठाएंगे तो ये 6 आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या ये फिजिबल रीजन में और कोई पॉइंट होगा जिसका वैल्यू जब z का वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पर तो इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट अनबाउंडेड है, ये ऊपर तक इन्फिनिटी तक जा सकता है ये, तो कौन ऐसा कोई और पॉइंट होगा जो इसको और ज़्यादा अधिक कर दे, मैक्सिमाइज कर दे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पॉइंट इधर ले ले या और आगे, ये कहाँ तक जा सकता है, y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये भी रीजन इधर जा रहा है तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाएंगे, y का वैल्यू इन्फिनिटी बैठाएंगे, तो z तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो z का वैल्यू 8 या 6 उससे भी ज़्यादा z का वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन इधर इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक गया मतलब y कोऑर्डिनेट भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये भी लाइन जब इधर जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो x भी इन्फिनिटी हो जाएगा, y भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो z का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी मिल रहा है, तो यही इसी टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन का लिमिट नहीं है, अनबाउंडेड है, बाउंड नहीं है उसका लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट यहाँ पर नहीं है सॉल्यूशन का, तो ये जो सॉल्यूशन है ये जेड का यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकता है, यानी कि हम लोग को लिमिटेड वैल्यू नहीं मिलेगा।
तो देखिए क्लियरली जेड कैन बी मेड आर्बिट्रली लार्ज, जेड को हम लोग ये जो है इनफाइनाइट कर सकते हैं, वेरी लार्ज कर सकते हैं, एंड प्रॉब्लम हैज नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड का कोई यहाँ पर मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। सच प्रॉब्लम आर सेट टू हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया एलपीपी का अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। तो कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जिसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होता है जिसमें कोई फिजिबल रीजन नहीं होता है। जो आप कंस्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंस्टेंट दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला कोई कॉमन रीजन नहीं होता है, तो उसमें से कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पर कोई फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप एलपीपी के ग्राफिकल मेथड से क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं, और भी प्रॉब्लम आपके बुक में मिल जाएगा तो वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, इसी तरीके का मैथमेटिक्स का वीडियो आपको देखने को मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।